सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं मोटो एच 50 अल्ट्रा का कैमरा टेस्टिंग कर रहा हूँ। हम रेड फोर्ट पे आए हैं कुछ सैंपल्स लेने के लिए। तो अभी जो आप ये वीडियो सुन रहे हो, ये इसी के फ्रंट कैमरा से आ रहा है। 4K 30 FPS पे है। मुझे लगा था 4K 60 होगा फ्रंट में, बट वो नहीं है। 50,000 में दैट शुड हैव बीन हियर, बट अदरवाइज़ ये कुछ क्वालिटी है। और थोड़े सैम्पल लेते हैं, फ़ोटो वीडियो सारी चीज़ें, एंड देन एंड में मैं अपने कंक्लूजन आपको बताऊंगा। और ऑडियो डायरेक्टली इसी फ़ोन से आ रहा है हमेशा की तरह, तो आपको पता लग जाएगी अगर आप ब्लॉगिंग के लिए फ़ोन देख रहे हो तो कैसा आउटपुट है। एंड इसमें कुछ स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है फ्रंट में, यही जो आप एंगल ऑफ व्यू देख रहे हो यही मिलता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ कैमराज की बात करूँ, पीछे की तरफ 3 कैमराज हैं। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो जो 3x जूम है ये 64 मेगापिक्सल है, और अल्ट्रा वाइड एंगल 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। और अगर मैं आगे की तरफ बात करूँ, एक कैमरा मिलता है जो 50 मेगापिक्सल का है। तो मेगापिक्सल वाइज हर जगह ही 50-64 दिया हुआ है, बट आउटपुट कैसा आता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले फोटोज़ के आउटपुट की बात करते हैं। एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे आपको फोटो लेते टाइम दो ऑप्शन मिलते हैं, नेचुरल और ऑटो एनहांस। तो हमने सारी फोटोज़ नेचुरल में ली हैं। सैम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एक सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे इस फ़ोन में लगी एज़ कम्पेयर टू जो बाकी फ़ोन इस रेंज में आते हैं, आप f1.6 पे जब फोटोज़ लेते हो, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर है वो 1/1.3 इंच है, जो बेसिकली साइज़ में काफ़ी बिगर है, तो आपको जो नेचुरल ब्लर इफेक्ट मिलता है वो काफ़ी सही मिलता है। तो अगर आप हल्के से भी पास जाके सब्जेक्ट के फोटोज़ लोगे, आपको जो बोके मिलता है, जो बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, वो काफ़ी नेचुरल आता है, काफ़ी बढ़िया आता है बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए। तो अगर आपको ऐसे कुछ शॉट्स लेने हैं, आप इस फ़ोन से ईजिली कैप्चर कर सकते हो। दूसरी चीज़ है इसके कलर्स। मोटरोला के जो भी ये मोटो एच 50 सीरीज़ आई है, मुझे पर्सनली कलर्स सबके ही बढ़िया लगे हैं। अल्ट्रा में भी वही चीज़ है, नेचुरल साइड पे कलर्स हैं। तो जब भी आप किसी भी सिचुएशन में फ़ोटो देखोगे, ना आपको ज़्यादा वार्म लगेगी ना ज़्यादा मैजेंटा साइड पे लगेगी। तो जो कलर्स ये कैप्चर करते हैं, जो वाइट बैलेंस है, वो काफ़ी नेचुरल साइड पर आते हैं। बट उसी के साथ जो कलर्स हैं वो थोड़े से पंची आते हैं, जो इस रेंज के फ़ोन में मुझे थोड़ा सा डल पसंद है, क्योंकि आप फिर उस रेंज में चले जाते हो जहाँ पे थोड़े एंथुजियास्ट फ़ोन लेते हैं फ़ोटोज़ के लिए। बट एनीवेज जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है, आप ऐसे फ़ोटोज़ हैं कि आप खींच के सीधा सोशल मीडिया पर डाल सकते हो। उसके बाद अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ, बहुत बढ़िया डायनामिक रेंज कवर करता है। बट मुझे सबसे सही चीज़ लगी, जो शैडो में ये कॉन्ट्रास्ट को हाई नहीं करता, जिस वजह से जहाँ कम लाइट भी है आपके शॉट्स में, वहाँ पे भी आपको बढ़िया डिटेल दिख जाती हैं। तो अगर स्काई भी है और डार्क एरियाज़ भी है, तो ये डार्क एरियाज़ में बढ़िया एक्सपोजर कैप्चर कर लेता है, और साथ ही साथ हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है। तो ऑल ओवर 1x में जो फोटोज़ हैं प्राइमरी कैमरा से, डिटेल अच्छी है, शार्पनेस अच्छी है, सेंटर टू एज बढ़िया डिटेल मुझे लगी। बैकलाइट में भी हमने कुछ फ़ोटोज़ ली जहाँ सनलाइट सब्जेक्ट के पीछे है, वहाँ पे भी ये अच्छे से हाइलाइट्स और शेडो का जो डिफरेंस है वो मेंटेन कर रहा है, मेकिंग श्योर फोरग्राउंड का एरिया बढ़िया एक्सपोज्ड आ जाए। बाकी हमने कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट की भी फोटोज़ ली हैं। स्किन टोन की अगर मैं बात करूँ, नेचुरल साइड पे है, ये अच्छे से मेंटेन करता है वाइट बैलेंस को, टू मेक श्योर कि आपका ऑल ओवर जो सीन है वो बढ़िया कलर्स में आ जाए। तो प्राइमरी कैमरा तो बढ़िया है, अल्ट्रा वाइड एंगल में चलते हैं। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में मुझे एक चीज़ बस माइनस पॉइंट पे लगी, कि एजेस थोड़े सॉफ्ट है कंसिडरिंग जिस प्राइस रेंज में फ़ोन आता है। 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, बट स्टिल वो जो एजेस हैं वो थोड़े सॉफ्ट हैं। उसके अलावा मुझे कलर स्कीम अच्छी लगी, वही नेचुरल साइड पे है, कलर्स अच्छे आते हैं। अल्ट्रा वाइड में हल्के और ज़्यादा पंची हैं, बट वो आँखों में चुभने वाले कलर्स नहीं हैं। डायनामिक रेंज अल्ट्रा वाइड के हिसाब से बढ़िया कैप्चर कर रहा है, मेकिंग श्योर कि जो डार्क एरियाज है वहाँ पर भी डिटेल आप अच्छे से देख सको। बैकलाइट में भी हमने कुछ शॉट्स लिए थे अल्ट्रा वाइड में, वहाँ पर भी मुझे आउटपुट अच्छा लगा। तो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड सही है डिटेल शार्पनेस कलर डायनामिक रेंज के मामले में, बट एजेस मुझे थोड़े से सॉफ्ट लगे। अब इसके अंदर 3x ऑप्टिकल जूम जो मिलता है 64 मेगापिक्सल का, उसकी बात कर लेते हैं। अब सैंपल्स भी अगर आप देखोगे, मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया आउटपुट लगा। 3x में जितनी शार्पनेस, जितनी डिटेल एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा है। तो अगर आप एक डिस्टेंस से खड़े होकर जूम करके फोटो लेना चाहते हो, आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही ओवर शार्पनिंग है, ना ही कलर्स में कुछ खराबी है, डायनामिक रेंज बढ़िया कैप्चर कर लेता। तो ऑल ओवर 3x में मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया आउटपुट लगा। 6x की अगर मैं बात करूँ, वो बेसिकली 3x को थोड़ा सा क्रॉप करके आपको आउटपुट देता है। अगर आप डे टाइम में अच्छी लाइटिंग में शूट कर रहे हो तो बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। जैसी लाइट कम होती है, आपको थोड़ा सा वो पिक्सेलेटेड रिजल्ट, थोड़ा ओवर शार्पनिंग वाला आउटपुट दिखने लग जाएगा। अब अगर पोर्ट्रेट मोड की मैं बात करूँ, तो आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखा देता हूँ। तो इन टोटल यहाँ 4 ऑप्शंस मिलती हैं। 24mm है जो इसका प्राइमरी कैमरा है, फिर 35mm है जो बेसिकली 1.5x हो जाता है, 50mm जो 2x जूम कर रहा है, और 85mm में इसका जो टेलीफोटो कैमरा है वो एक्टिवेट होता है। तो एक बार चारों में मैं कुछ सैंपल लेके आपको दिखा देता हूँ।
पोर्ट्रेट मोड जब आप इतना प्राइस पे करते हो, 55,000 का है, मेरे को कार्ड डिस्काउंट लगा के 50,000 का पड़ा था ये फ़ोन, एक सेट एक्सपेक्टेशन होती हैं उस हिसाब से मुझे लगता है इसने वो आउटपुट दिया है मुझे। डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपको चारों आउटपुट साथ में दिखाऊं, 24mm, 35, 50 और 85, तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पर्सनली मुझे 85mm का आउटपुट बेस्ट लगा। आप कमेंट करके बताना चारों में से आपको किसका बढ़िया लगा। उसके कुछ रीज़न्स हैं। जब मैं 1x में फ़ोटो लेता हूँ, या अगर मैं बोलूँ 24mm में, मुझे उतना खास रिजल्ट नहीं लगा। इवन 1x, 1.5x और 2x में कलर्स थोड़े से वार्म साइड पे हैं, बट जैसे ही मैं 85mm पे आता हूँ, जो 3x वाला लेंस यूज़ कर रहा है, कलर्स थोड़े से सैचुरेटेड होते हैं, बट स्किन टोन बहुत एक्यूरेट है, बहुत नेचुरल है। जैसा मैं अपनी आंखों से देखता हूँ वैसे ही कलर्स ये कैप्चर कर रहा है। तो अगर आपको अच्छे पोर्ट्रेट चाहिए, 3x में बहुत बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। स्किन टोन एकदम नेचुरल साइड पे है, कलर्स थोड़े से पंची हैं। बट एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो 35mm और 50mm के मोड्स हैं, 1.5x और 2x, वहाँ मुझे कलर, एक तो कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं लगी, कलर्स थोड़े इधर उधर जा रहे हैं और डिटेल शार्पनेस थोड़ी सी सफ़र होती है क्योंकि डिजिटल क्रॉप हो रहा है। बाकी उसके अलावा एज डिटेक्शन एकदम बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर थोड़ा होता है, बट वो हर फ़ोन ही ऐसा करता है। ब्लर इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, मुझे 1x में थोड़ा सा आर्टिफिशियल साइड पे लगा, बिकॉज पीछे जो बोके बनते हैं गोले गोले से, बट जैसे ही आप 2x पे या 3x पे जाते हो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, बढ़िया नेचुरल ब्लर इफेक्ट आपको मिल जाता है। इवन ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, पोर्ट्रेट लेते टाइम जो बैकग्राउंड का प्रोसेसिंग है, जब पीछे ज़्यादा सनलाइट है, पीछे ज़्यादा ब्राइट एरिया है, तो भी ये मोटो का जो फ़ोन है वो बहुत बढ़िया से बैकग्राउंड को कंट्रोल करता है, एक्सपोजर कंट्रोल करता है और सब्जेक्ट पर बढ़िया लाइट दे देता है। फिर बात करते हैं सेल्फी की, आगे की तरफ, जो आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, मुझे तो पर्सनली बहुत बढ़िया डिटेलिंग लगी। कलर्स बहुत नेचुरल साइड में है, एकदम एक्यूरेट कलर्स हैं। सेल्फी में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। सैंपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग सिचुएशन में मैंने लिया था, मुझे ऑल ओवर बढ़िया आउटपुट लगा। इवन आप पोर्ट्रेट मोड में जाके भी जब सेल्फी लेते हो, एज डिटेक्शन सही है, प्रोसेसिंग अच्छा है, फेस में शार्पनेस ख़त्म नहीं हो रही, वैसी शार्पनेस है जैसे बिना पोर्ट्रेट मोड की थी। तो दोनों ही मोड्स में बढ़िया सेल्फी आप कैप्चर कर सकते हो। अब फोटोज़ में लास्ट सेगमेंट है लो लाइट फोटोग्राफी का। यहाँ मुझे पर्सनली बेस्ट इंप्रूवमेंट लगा इस सेगमेंट में, बिकॉज जो आप फोटोज़ देखोगे लो लाइट में, हाईलाइट कंट्रोल एक तो बहुत अच्छा है, दूसरी चीज़ नॉइस इतना ईजिली नहीं आता, बट उससे बेटर है ऑल ओवर जो लुक एंड फील है फोटोज़ का, कलर एक्यूरेट है, डायनामिक रेंज बढ़िया है, जिस वजह से अगर आप शाम को या रात को या लो लाइट में भी फोटोज़ ले रहे हो तो आपको बढ़िया डिटेल फोटोज़ मिल जाएंगी। हाँ, बट अल्ट्रा वाइड मुझे ठीक ठाक लगा, इतना कुछ खास नहीं है। बस ये है कि उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि हम शाम को फोटोज ले रहे हैं, अंधेरे में ले रहे हैं, तो नॉइस उतना इजीली नहीं आता, जिस वजह से आपको अच्छी डिटेल फोटो मिल जाएंगे। 3x का जो कैमरा आउटपुट है वो मुझे एवरेज लगा। मेरा एक्सपेक्टेशन लो लाइट में थोड़ा ज़्यादा था 3x कैमरा से, कंसिडरिंग जिस मेगापिक्सल पे आता है या जैसे इसका स्पेसिफिकेशन है, बट एवरेज आउटपुट है, इतना कुछ खास नहीं है। अच्छा, इसमें आपको डेडिकेटेड मैक्रो मोड भी मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंगल को यूज़ कर रहा है बेसिकली। बट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैमरा है मेरे पास, इसका मैं इतनी पास से शॉट ले रहा हूँ, और बढ़िया चीज़ ये है, जो आप ये मैक्रो मोड के शॉट्स देख रहे हो, ये 12.6 मेगापिक्सल दिखा रहा है, तो ये सही है, 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल वाला सीन नहीं है। हाई रेज में आपको मैक्रो शॉट मिलते हैं। और एक और चीज़ मुझे बढ़िया लगी, अगर मैं 1x में भी जाता हूँ और हल्का सा पास जाता हूँ ना, ऑटो ये मैक्रो मोड में चले जाता है, हल्का सा टाइम लेता है 1-2 सेकेंड, बट ऑटो मैक्रो ऑन कर लेता है। तो इस तरीके से आप अगर 1x में भी हो तो आप ऑटो मैक्रो में जाके शॉट्स ले सकते हो। तो हमने फोटोज़ की बात कर ली, अब हम वीडियो सेगमेंट पे चलते हैं, बिकॉज कई लोगों का ये कमेंट था जब मैंने Q&A में पूछा था कि भाई इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हो, बहुत लोगों का वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक एक करके कवर करते हैं। तो मोटो एच 50 अल्ट्रा का हम वीडियो टेस्ट कर रहे हैं अभी, 4K 60fps मैक्सिमम रेजोल्यूशन आता है 1x पे, जो आप देख रहे हो प्राइमरी कैमरा है। अगर मैं बैक लाइट में जाता हूँ, सनलाइट पीछे की साइड से आ रहा है, तो ये आपको फिर आइडिया दे देगा कि बैक लाइट में जब आप शूट करते हो इस तरीके से, तो ये कैसे डायनामिक रेंज कंट्रोल कर रहा है, कैसे फेस पे एक्सपोजर आ रहा है, क्या मैं डार्क आ रहा हूँ, ब्राइट आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम स्टूडियो जाके देखेंगे। ऑडियो डायरेक्टली फ़ोन से ही आ रहा है, जो अभी या आगे भी आप सैंपल देखोगे वो इसी फ़ोन से आपको दिखेगा। तो ये अभी 1x है, एक बार अल्ट्रा वाइड में स्विच करके देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो अब हमने अल्ट्रा वाइड में स्विच कर लिया है, बढ़िया चीज़ है, 4K 60fps पे ही अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है। तो अगेन अभी मैं फ्रंट लाइट में था, अभी ये बैक लाइट सिचुएशन है, थोड़ा वाइड एंगल है, तो इसमें डायनामिक रेंज क्या चेंज हो रहा है, क्या सेम आ रहा है, मैं डार्क हूँ ब्राइट हूँ, वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और अभी अगर साइड लाइट का भी आइडिया आपको मिल जाएगा। अगेन 4K है, 60fps है, तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन बेटर होगा,
बाकी थोड़ा और स्टेबलाइजेशन का भी टेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा वाइड एंड वहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जैसे आप यहाँ सैंपल्स देख सकते हो कलर्स अगेन फोटो की तरह मुझे नेचुरल साइड पे लगे पंची नहीं है कलर्स ना ही वो मेजेंटा या वार्म टिंट आ रहा है जिस वजह से वीडियो देखने में आंखों को प्लेजेंट लगती है। तो अगर आप वीडियो के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो मेरे हिसाब से कलर्स अच्छे आ रहे हैं कुछ दिक्कत नहीं है। एक्सपोजर कंट्रोल बहुत ही अच्छा है जब आप एक लाइटिंग कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाओगे ये धीरे से शिफ्ट करता है तो आपको उतना ज़्यादा एक्सपोजर चेंज नोटिस नहीं होगा। इवन स्टेबलाइजेशन 4K में काफ़ी बढ़िया है आप यहाँ सैंपल में देख सकते हो। तो अगर आप चलते हुए भी वीडियो बना रहे हो तो आपको ज़्यादा शेक देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें एक वीडियो मोड है HDR का। अब HDR मोड जब आप ऑन एंड ऑफ करते हो यहाँ पे आप साइड बाय साइड एक कंपैरिजन देख सकते हो HDR 10 प्लस करके ऑप्शन होता है। अब ऑन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा तभी करना अगर स्पेसिफिकली आप सनराइज सनसेट शूट कर रहे हो बिकॉज अगर आप किसी और कंडीशन में शूट कर रहे हो मुझे इसका एक्सपोजर ऊपर जाते हुए दिखा वो नॉर्मल सिचुएशन में डायनामिक रेंज सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो ऑफ पे ही रखना जब आपको सिर्फ सनराइज सनसेट शूट करना है तभी आप उसको ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट अब चलते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। वीडियो मुझे उतनी खास नहीं लगी उसके मैं आपको रीजंस बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कलर मुझे थोड़े बूस्टेड लगे ऑल ओवर लुक एंड फील वीडियो का 4K वाला नहीं है। 4K है अल्ट्रा वाइड बट मुझे देखने में रेजोल्यूशन 1080p वाला लग रहा था बिकॉज डिटेलिंग उतना अच्छा नहीं है वीडियो थोड़ा पिक्सेलेटेड सा लग रहा है जब मैं थोड़ी बड़ी स्क्रीन में देख रहा हूँ। तो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वीडियो के हिसाब से मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा जितना मेरे एक्सपेक्टेशन था। स्टेबलाइजेशन अच्छी है बस वही एक लाइक अच्छा पार्ट है अल्ट्रा वाइड का अदरवाइज एवरेज आउटपुट है। जब हम 3x में वीडियो सैंपल ले रहे हैं क्योंकि डेडिकेटेड ऑप्टिकल 3x जूम है तो उसमें भी आप 4K 60fps शूट कर सकते हो। ये आपको फेयर आइडिया दे देगा। ऑब्वियसली ऑडियो शायद इतनी दूर से उतना बढ़िया ना है बट अगर आप ऑप्टिकल जूम करते हो तो क्वालिटी कैसी है इससे यू विल गेट अ फेयर आइडिया। फिर 3x में भी आप वीडियो शूट कर सकते हो। हमने आपने एक सैम्पल सुना होगा जहाँ मैं बोल रहा था वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं लगा। अगर आप जूम करके वीडियो कैप्चर करने वाले हो एक चीज़ स्टेबलाइजेशन इसका अच्छा है। अगर आप हैंडल्ड वीडियो शूट कर रहे हो हल्का सा पैन भी कर रहे हो या हल्का शेक भी हो रहा है तो स्टेबलाइज बहुत बढ़िया से करता है जिस वजह से वीडियो में शेक देखने को नहीं मिलता। और जूम करके अगर आप कैजुअली वीडियो शूट कर रहे हो तो सही आउटपुट आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई मेजर ड्रॉबैक मुझे इसमें नहीं लगा। अब अगर आप शाम को या कम लाइट में वीडियो शूट करने वाले हो उसके हिसाब से मैं बात कर लेता हूँ। प्राइमरी कैमरा में मुझे आउटपुट अच्छा लगा। ये जो आप शॉर्ट्स देख रहे हो ये रात के टाइम शाम के टाइम शूट किए गए हैं नॉइस इजीली नहीं आ रहा वो एक अच्छा पार्ट है। हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है बिकॉज ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है जहां डार्क एरियाज भी हैं और एकदम ब्राइट एरियाज भी हैं तो ये बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है। कलर्स अच्छे से आ रहे हैं शेडो एरिया में बढ़िया डिटेल आ रही है। अल्ट्रा वाइड में उतना इंप्रेसिव आउटपुट नहीं है कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई साइड पे है शेडो में ये डिटेल रिकवर नहीं कर पा रहा नॉइस थोड़ा इजीली आ जाता है। तो अल्ट्रा वाइड ब्लो लाइट इज नॉट दैट गुड। 3x में भी सेम चीज़ है मुझे लग रहा था 3x में थोड़ा बेटर लो लाइट वीडियो में होगा बट वही चीज़ है डायनामिक रेंज उतना बढ़िया नहीं है डिटेलिंग उतना अच्छा नहीं है वीडियो आपको पिक्सेलेटेड दिखेगा एंड ऑल ओवर वो लुक एंड फील उतना बढ़िया नहीं आएगा। बाकी स्लो मोशन की अगर मैं बात करूं तो आप अप टू 1080p शूट कर सकते हो। यहाँ पे आप एक सैंपल देख सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा स्लोमो पसंद है आप 960 तक जा सकते हो बट अगर आप 240fps पे जाते हो तो आप 1080p तक स्लोमो शूट कर सकते हो। फ्रेम स्किपिंग नहीं है हाँ बट ये जब आप आर्टिफिशियल लाइटिंग में शूट करोगे तो जस्ट लाइक एनी फोन आपको फ्लिकरिंग देखने को मिलेगा। अब इससे पहले मैं कंक्लूजन दूँ मैं वीडियो में दो पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगा जो मुझे मिसिंग लगे। सबसे पहला है जब मैं 50-55 हज़ार दे रहा हूँ आई एक्सपेक्ट कि वीडियो में मुझे प्रो मोड मिले जो इससे आधे रेट में भी कई ब्रांड्स देते हैं इसमें वो चीज़ मिसिंग है। तो वीडियो अगर आप शूट कर रहे हो आपको प्रो मोड का ऑप्शन नेटिवली नहीं मिलता इस फ़ोन के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कुछ सिनेमैटिक मोड नहीं है वीडियो के लिए पोर्ट्रेट वीडियो नहीं है जो अगेन 20-25 हज़ार के फ़ोन भी देते हैं। इस फ़ोन में मुझे वो फीचर नहीं दिखा शायद अपडेट से आता नहीं आता वो मुझे नहीं पता बट एज ऑफ नाउ वो चीज़ इसमें मिसिंग है। तो वीडियो से रिलेटेड कहीं प्रो फीचर्स मुझे इसमें मिसिंग लगे। आउटपुट ठीक था बट ये फीचर्स की कमी कहीं ना कहीं मुझे लगी। तो अगर मैं कंक्लूजन दूँ मेरा बजट 50-60 हज़ार है तो क्या मैं ये फ़ोन लूँगा। प्राइमरी कैमरा इसका बहुत सॉलिड है 3x पोर्ट्रेट बहुत सॉलिड है वीडियो प्राइमरी कैमरा से बहुत इसका सॉलिड पॉइंट है। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड इज़ नॉट दैट ग्रेट लो लाइट इज़ नॉट दैट ग्रेट। मेरा मिक्स्ड रिएक्शन है। अगर आप क्वेश्चन पूछो क्या है बेस्ट फ़ोन है 50,000 पे शायद अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा बोलना बिकॉज अभी हमें इसके कंपैरिजंस करने हैं। तो आप इस फ़ोन का कंपैरिजन किस फ़ोन से देखना चाहोगे डू कमेंट एंड लेट मी नो और वो हम वीडियोस प्लान कर लेंगे। सो दैट्स इट आप कमेंट करके बताना आपको कैसा आउटपुट लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।